जनजन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और ईडी का एक भी अपडेट छूटे ना इसके लिए आप जीएन भारत देखते रहिए। आज हम फिर एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने लेकर तैयार है। जैसा हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि अभिषेक प्रसाद को ईडी ने समन कर दिया है, 1 अगस्त को यहाँ हाजिर होंगे, लेकिन यहाँ हम बात पूजा सिंघल की कर रहे हैं। जी हाँ, निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी याचिका को, जो बेल याचिका थी, उसको खारिज कर दिया गया है। प्रभात कुमार की अदालत में जब उन्हें पेश किया गया ईडी की अदालत में, तब उन्होंने साफ तौर पर याचिका को खारिज कर दिया। अगली सुनवाई जो है वो 3 अगस्त को होगी और 3 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसमें सीए अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, जितने भी जूनियर इंजीनियर राम विनोद शर्मा जो है, जो भी है, इन सब का याचिका पर सुनवाई उस दिन होगी और कोर्ट में इन सभी को उपस्थित भी रहना है, ये खबरें आ रही है। आपको बताते चले कि पूजा सिंघल के लिए पर्सनल तौर पर ये वक्त वाकई में बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए क्योंकि एक और उनकी बेटी जो है क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हुई। आपको बताते चले उनकी बेटी DPS में थी और आर्ट्स स्ट्रीम से थी और उन्होंने 98% ला के अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। और अभिषेक झा ने भी ये बात कही थी कि हमें बहुत खुशी, अपनी बेटी पर गर्व है, लेकिन और अच्छा होता अगर पूजा हमारे साथ होती, अपनी बेटी की इस इतने बड़े सक्सेस को हम सब मिलकर, पूरा परिवार मिलकर सेलिब्रेट करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया ये सरकमस्टांसेस, लेकिन हम बेल करवाने की पूरी कोशिश करें। वहीं उनकी बेटी का भी कहना है कि ईडी के जो पदाधिकारी है उन्होंने बहुत सहयोग किया। घर में छापा पड़ रहा था लेकिन मैं दूसरे रूम में पढ़ रही थी, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप आराम से पढ़िए, हमारा जो काम है हम दूसरे रूम में कर लेंगे। तो ईडी के जो पदाधिकारी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया कहीं ना कहीं, उसके लिए उन्होंने ईडी के पदाधिकारी को थैंक्स भी बोला है। और पूजा सिंघल का भी कहीं ना कहीं जब वो उपस्थित हुई कोर्ट में तो बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स्ड वो नज़र आ रही थी। और उनसे प्रभात जी ने पूछा भी कि आप अच्छा महसूस कर रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपर डिवीजन सेल में हूँ, वहाँ पे लोग मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल जो है आराम है, लेकिन उनका कहना है कि बेटी का इतना अच्छा मार्क्स आया है, वो अपने परिवार, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के लिए ये वक्त जो है सही नहीं है। देखना दिलचस्प होगा 3 अगस्त को जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या बेल मिलेगा या फिर जेल होगा। और इसके साथ ही अभिषेक प्रसाद की अपडेट के लिए आप बने रहे कि 1 अगस्त को जब उनको समन किया जाएगा और पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल ले जाया जाता है, रिमांड पे ले जाया जाता है, या फिर उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए जैन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।